नमस्कार, मैं हूं भुवानी चावला। तो नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश आज शाम के कुछ अहम खबरों पर। सीएम जयराम ठाकुर ने दिए संकेत, अगर स्थिति न संभाली तो पूर्ण लॉकडाउन पर भी होगा विचार। अभी प्रयोग के तौर पर कोरोना कर्फ्यू लगाया है, यदि इसी तरह केस बढ़ते रहे तो 10 दिनों में कर्फ्यू के बाद रिव्यू मीटिंग पर पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। सारे जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंजाब केसी से विशेष बातचीत में कहा कि सरकार ने सारे हालात को देखते हुए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि पिछले वायरस और अब के वायरस में काफी अंतर है, यह पहले से ज्यादा प्रभावी है। कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी जानकारी या समस्या को लेकर 9859970400 पर करें व्हाट्सएप। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोरोना और कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए जिला पर आपदा प्रबंधक के टोल फ्री नंबर 1070 पर कॉल कर सकता है। इसके अलावा जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर 9859970400 पर भी कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी जानकारी या समस्या को लेकर संदेश भेज सकते हैं, जिसका तुरंत समाधान किया जाएगा। ध्यान रहे, व्हाट्सएप नंबर 9859970400 पर कॉल की सुविधा नहीं है, इस पर केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सरकार के निर्देशों का पालन करें, अपने घरों में रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 20 वर्षीय युवती ने तोड़ा दम, मेडिकल कॉलेज में कुल 6 की मौत। मेडिकल कॉलेज ने चौंक में एक साथ 6 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई है। मृतकों में 20 वर्षीय युवती कसोग, 52 वर्षीय व्यक्ति जोगिंद्रनगर, 48 वर्षीय महिला बल्ल, 76 वर्षीय महिला हमीरपुर, 53 वर्षीय महिला हमीरपुर व 52 वर्षीय महिला सरकाघाट के तालुके रखती थी। मामले की पुष्टि करते हुए सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कोरोना से मौत का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज ने चौंक में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले 6 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि 4 लोग मंडी जिला और 2 हमीरपुर जिला से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने लोगों से अपील किया, कोरोना लक्षण आने पर तुरंत अस्पताल का रुख करें और अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। कोविड-19 नियमों की अवहेलना पर मेगामार्ट संचालक के खिलाफ किया मामला दर्ज। कोविड-19 नियमों की अवहेलना पर धर्मशाला सिद्धपुर के एक मेगामार्ट संचालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कर्फ्यू व लॉकडाउन की सही जानकारी के अभाव में ज्यादा लोग मार्ट में खरीदारी करने पहुंच गए। मार्ट के भीतर कोई भी शारीरिक दूरी नहीं रख रहा था। पुलिस ने मार्ट के निरीक्षण किया और पाया कि नियमों की अवहेलना हो रही है, जिस सख्त कार्रवाई करते हुए मार्ट के संचालक के खिलाफ चालान काटा गया है। वही पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने बताया कि सिद्धपुर में एक मार्ट का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान मार्ट में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की जा रही है, जिसके चलते धर्मशाला पुलिस थाने में हरवंश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल 3 किलोग्राम चरस के साथ 40 वर्षीय महिला गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में पुलिस ने घर में छापेमारी कर 3 किलो चरस बरामद करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने 40 वर्षीय पद्मा देवी पत्नी बहादुर सिंह निवासी यानी के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे मौके की हिरासत में ले लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला चरस तस्करी का अवैध कारोबार कर रही है। पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने महिला के घर छापेमारी की तलाशी लेने पर 3 किलो 11 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिस पर पुलिस ने महिला के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे मौके से हिरासत में ले लिया है। फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल प्रदेश आज शाम की कुछ अहम खबरें। और फ्रेंड्स, अगर आपको खबरें जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।